जय हिंद दोस्तों, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। दिया यहाँ पे यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर दिया यहाँ पे 1 + sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा और बटे में दिया है 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 - cos थीटा और दूसरा नंबर दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, पहला नंबर दिया है अब देखो यहाँ दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो cot होता क्या है, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट हमारे पास कॉट दिया आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला क्या दिया है आधार, नीचे वाला लंब, हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब हमारे पास दिया है 8 का वर्ग प्लस आधार, आधार दिया है हमारे पास 7 का वर्ग, तो यहां देख लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर 88 + 64 + 49, तो यहाँ पे क्या है कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर जोड़ लेते हैं 4 और 9, 9 + 4 कितना होता है 13, 6 + 4 = 10, 10 + 1 इसमें 80% कितना हो गया 11, तो 113 आ गया। यहाँ पे इसका वर्ग हटाएंगे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे कर्ण बराबर √113, तो कर्ण का मान आ गया हमारे पास √113। अब उसके बाद हम निकालना, पहला नंबर दे रखा है कह रहा है साइन 1 + sin और 1 - sin, तो ये फार्मूला बन रहा है, अगर देखा जाए तो बन रहा है, देखो इसे एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, तो फार्मूला होता है a² - b² का, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - sin²θ बटे, इस तरीके यहां हो जाएगा a² - cos²θ। अब हल कर लेते हैं आगे, यहां पे दिया है 1² - sin, क्या होता है साइन है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या दिया है, लंब दिया है आठ बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है √113, लिख लेते हैं यहाँ पे √113। अब पूरे कह रहा कि होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद बटे में यहाँ दिया है 1² - cos, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया यहाँ पे 7/8 दिया √113 पूरे का होल स्क्वायर। अब खोल लेते हैं, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर दिया यहाँ पे 1 का वर्ग अब माइनस 88 = 64, अब इसका रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 113, तो 113। अब इस तरीके नीचे वाला यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 7 वर्ग करेंगे कितना आएगा 49, अब बटे यहाँ पे 113 आएगा, 113। अब आगे देखते हैं, इसके नीचे अगर हम 1 माने, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 113। अब ऊपर दिया है तो यहां पे हो जाएगा 113 और माइनस यहां पे बटे में 113 दिया, यहां पे 64 आएगा। अब इसी तरीके नीचे वाले देख लेते हैं, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा और इधर आएगा 113 और माइनस इसके नीचे 113, तो यहां पे आएगा 49, 113 से 113 क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 113 से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 13 में से यहाँ पे 10 बचा, 6 गया कितना बचा 4,
49 बटे यहाँ पे अब 49 घटाते हैं 13 में से 9 गया 4 10 में से 4 गया 6 कितना बचा 64 यहाँ पे 64 इसके नीचे कितना बचा था 1 इसके भी नीचे कितना बचा था 1 यहाँ पे अगर देखा जाए तो बचा 49 बटे 1 उसके नीचे है 64 बटे 1 अब देखो इसका हम गुणा कैसे करवाते हैं तो यहाँ पे जाएगा 49 बटे 1 है इसका गुणा ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 64 तो यहाँ पे आएगा 49 बटे ही 64 ये क्या होगा हमारा आंसर इसका सेकेंड नंबर बचा है सेकेंड नंबर देखते हैं इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं सेकेंड नंबर पहला नंबर हम देख चुके हैं सेकेंड नंबर यहाँ पे कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हमारे पास दिया है कॉट कॉट होता क्या है आधार बटी कर्ण आधार बटी कर्ण तो आधार हमारे पास क्या दिया था आधार दिया था सबसे पहले ये देखो कॉट आधार ये है 7 और आधार बटी कॉट आधार बटी लंब आधार बटी लंब हमारे पास कर्ण आया था अंडर रूट 113 तो मान रख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कॉट आधार बटे लंब तो आधार बटे लंब कितना दिया हमारे पास 7 बटे 8 पूरे का होल वर्ग 49 और 64 पहले का मान भी कितना आया था 49 बटे 64 दूसरे का मान भी कितना आया 49 बटे 64 सेम आंसर तो हो गया दूसरा नंबर भी इसका 300 लेना हो ले सकते इसके बाद देखते हैं आठवां नंबर कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 minus tan square a बटे 1 plus tan square a बराबर cos square a minus sin square a है या नहीं तो निकाल लेते हैं मान इसका भी सबसे पहले हमारे पास दिया है देख लेते दिया 3 cot a बराबर 4 तो यहाँ पे गुणे में बटे में जाएगा यहाँ पे हो जाएगा cot a बराबर 4 बटे 3 cot दिया है यहाँ पे cot होता आधार बटे लंब तो ऊपर वाला होगा हमारा आधार और नीचे वाला लंब जो हमारे पास नहीं है उसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं तो हमारे पास कर्ण नहीं है कर्ण निकाल लेते हैं फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब दिया हमारे पास 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4 का स्क्वायर तो कर्ण हमारे पास नहीं है इसको निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16 यहाँ पे हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 ना कितना होता है 25 अब इसका वर्ग घटेगा उधर रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट में 25 तो कर्ण बराबर इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पे इसको हम इतना लिख सकते हैं 5 × 5 तो अब वर्गमूल तो पढ़े ही होंगे कि अगर जोड़ा बने तो उसमें क्या 1 निकाल सकते हैं तो यहाँ बचेगा कर्ण बराबर 5 कर्ण बराबर कितना आ गया 5 अब देख लेते हैं कह रहा है इसके बराबर ये वाला है या नहीं तो दोनों का मान निकाल लेते हैं पहले इसका मान निकाल लेते हैं या साथ में निकाल लो कोई दिक्कत नहीं 1 minus tan square a बटे 1 plus tan square a पहले एक एक करके निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ दिया 1 minus tan tan क्या होता है लंब बटे आधार लंब क्या दिया हमारे पास लंब बटे आधार मतलब 3/4 यहाँ हो जाएगा 3/4 पूरे का होल वर्ग बटे इसी प्रकार यहाँ पे दिया है 1 plus tan लंब बटे आधार 3/4 यहाँ हो जाएगा इसका भी वर्ग अब यहाँ पे कितना बचा ऊपर बचा 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 × 9 = 16 इसी प्रकार इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं बटे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे एक अपना सिंत्री करना हो चार चौ 16, इसके भी नीचे हम एक मान सकते हैं। अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक है, इसके थोड़ा एक कम 16 करें कितनी बार जाएगा 16, तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे दिया है 9 बटे। इसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 ऊपर सेम संख्या आएगी, आएगा यहाँ पे आएगा 16 प्लस का 9। अब देखो यहाँ पे 16 और 16 क्या होगा कैंसिल, यहाँ कितना बचा ऊपर बचा 7 और बट्टी यहाँ कितना हो गया 25, 7/25। अब सेकेंड नंबर इसका हल कर लेते हैं, अगर इसमें 7/25 आ रहा तो बराबर होगा, दिया ना है या नहीं, दोनों का मान निकालना है। इसको निकाल लेते हैं, दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a दिया है, कह रहा cos, cos क्या होता है आधार बटी कर्ण, आधार बटी कर्ण, तो आधार कितना दिया है, आधार दिया 4, आधार 4 बटी कर्ण कितना दिया है 5, इसका होल स्क्वायर क्या दिया है होल स्क्वायर, माइनस साइन, साइन लंबटी कर्ण, लंबटी कर्ण लंब 3 दिया है, अब कर्ण कितना दिया है 5, इसका होल स्क्वायर, 4 कितना हो गया 16, 25 माइनस दीद्रिक का 9, 25 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25। अब देखो 16 में से 9 किया कितना बचा यहाँ पे 7, कितना आ गया 7/25। देखो ये और ये क्या है बराबर, तो क्या होगा है क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।